हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ जयपुर के दोनों गेस्ट हाउस की वीडियोस। जयपुर में दो गेस्ट हाउस लोकेटेड हैं CBWD के फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और मैं इसमें दोनों ही कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा कम्प्लीट वीडियो, और इसमें मैं कम्प्लीट टूर दिखाऊँगा आपको दोनों गेस्ट हाउस का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है आपकी पर्सनल कार्स के लिए। ये इस गेस्ट हाउस का ह्यूज लॉबी स्पेस है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने इसे। ये जो सामने आप देख रहे हैं अब ये इसका रिसेप्शन है, सारे जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इधर ही होती हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी टाइमिंग और इसका कितना क्या ब्रेकफास्ट का टाइम है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है सामने। ये इस गेस्ट हाउस का डाइनिंग रूम है, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों ही मिल सकते हैं, चाहे आप रूम सर्विस चाहें तो वो, नहीं तो आप यहाँ आके खाना चाहें तो वो भी। बहुत मिनिमम से रेट में आपको काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है यहाँ पे, और फूड की क्वालिटी भी अच्छी होती है। चलते हैं अपने पहले रूम की तरफ। ये इस गेस्ट हाउस का VIP सूट है, इसमें दो कमरे आपको मिल जाते हैं, एक में आपका सोफा सेट विद टेबल होता है और ये आपका बेडरूम हो जाता है। दोनों ही कमरों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालकनी की फैसिलिटी रहती है, दोनों ही कमरों में टेलीविजन रहता है, AC रहता है, एक बाथरूम रहता है विद गीजर इन ऑल बेसिक एमिनिटीज। तो आप देखिए आपको ये कैसा लगा।
ये इस गेस्ट हाउस का दूसरा कमरा है, इसे डबल बेड एसी रूम बोलते हैं। इसमें भी आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिलेंगी, विद बालकनी, विद अटैच बाथरूम। जो द ओनली डिफरेंस इज़ के ये जो है नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं गवर्नमेंट के, वो इसे अवेल कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कमरा पहले दिखाया था वीआईपी सूट, वो केवल गजेटेड ऑफिसर्स के लिए होता है। ये सेकंड गेस्ट हाउस है जयपुर में, इसे CPWD इंस्पेक्शन बंगलो के नाम से जाना जाता है। ये सेक्टर 7 में लोकेटेड है जयपुर में। ये उस गेस्ट हाउस से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों ही बहुत अच्छी लोकेलिटीज़ हैं। इसके ये जो गेस्ट हाउस आप देख रहे हैं, ये बीच में इसके जो है गार्डन है, इसके चारों तरफ जो सराउंडेड हैं वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। और राइट हैंड साइड पे इसके जो मिलेगा आपको वो इंस्पेक्शन बंगलो है, विद कार पार्किंग एंड बोथ टाइप्स ऑफ रूम। इसमें भी आपको VIP है और सिंपल रूम दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस गेस्ट हाउस में अंदर ये कैसा है और आपको कैसा लगा। Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. ये इस गेस्ट हाउस का रिसेप्शन प्लस लॉबी एरिया है। इसके एडजेसेंट आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको तीनों टाइम की मील जो है मिल जाएंगी, और चाहे रूम सर्विस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल हैं। और उसके बाद चलते हैं इसके रूम की। ये इस गेस्ट हाउस का डबल बेड एसी रूम विद बालकनी एंड अटैच टॉयलेट। अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये यहाँ का VIP सूट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गेस्ट हाउस में 2 ही VIP सूट हैं, और पहले वाले में जो था 10 VIP सूट थे, जिसमें से 7 जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और 3 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये कंपैरेटिवली उससे छोटा गेस्ट हाउस है CPWD का, तो इसलिए यहाँ पे कम ही रूम्स हैं, पर इन्होंने वेल मेंटेन्ड हैं सारे, वो आप खुद भी देख पा रहे होंगे।
इसमें जो ये लॉबी एरिया है, यहाँ का जो कॉमन रूम है, ये दोनों रूम्स के लिए कॉमन है, बाकी ये सेपरेट रूम्स हैं। ये इसका बाथरूम। दोनों गेस्ट हाउस का कंप्लीट टूर खत्म होता है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा गेस्ट हाउस अच्छा लगा। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।